ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। बाहरः परं पट किरीटजुष्टम् अप्युत्तमांगं नमेत् मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमांगं न नमेत् मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमांगं न नमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा। शब्दार्थ बारह। बहुत बड़ा बोझा, परम भारी। अभिनंदन, बोलता क्यों नहीं पीछे, ध्यान से सुनो और बोलो, ठीक है? परम भारी पट रेशम युष्टम से सज्जित अपि भी उत्तम उत्कृष्ट अंगम शरीर के अंग न कभी नहीं नमेत झुकते हैं मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण को शावौ मृतक शरीर करौ करो दो हाथ दो नो हाथ नहीं नो पुरुते करते हैं नहीं सपर्याम पूजा अरे भगवान की लसत चमचमाते हुए कांचन कांचन सोने के बने कंकनो दो कंगन वा यद्यपि अनवा शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो किंतु किंतु यदि यदि मुक्ति के दाता ठीक भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल तो एक भारी बोझ के समान है। एक इसी प्रकार प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हों
यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों की तुल्य हैं। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की आ जा रहा है। इधर आके बैठो, आगे आगे आओ, आगे आगे। गुड बॉय ना, वेरी गुड। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गणामयं ददाति स्वपनांदिगं। वंदेहं श्री गुरु श्री युतावनगमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैसे अनुवाद में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया गया है, सिर के बारे में बताया है कि जो सिर है हमारा ये बोझ है, बारह छोटा मोटा बोझ नहीं है, परम बहुत ही ज्यादा भारी है। क्या सिर हम लोगों का बोझ है, चाहिए पट किरीट जुष्टम, बड़ी सुंदर पगड़ी से पट्टी पट बांधा हुआ है, किरीट मतलब मुकुट आदि लगाया गया है, कभी पगड़ी बांधी जाती तो कभी मुकुट बांधा जाता। चाहे इस मस्तिष्क को किसी ने बहुत सुंदर सजाया क्यों नहीं, अगर ये क्या करता है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष झुकता नहीं, न नमेत मुकुंदम, नमन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता। प्रणाम करना इतना जरूरी है। दूसरा, जो हाथ हैं ये मुर्दे के हाथ हैं, शवौ करौ, करौ मतलब हाथ, जो क्या नहीं करते, बोले न कुरुते सपर्याम, जो भगवान की पूजा सेवा नहीं करते,
चाहे इन हाथों को सुंदर सजाया ही क्यों न गया हो। लसत कांचन कंकन हुआ सुंदर सोने के कांचन मतलब सोना, सोने के कंगनों को क्यों ना इन हाथों में पहनाया गया हो। मुर्दे के हाथों में अगर सोने के कंगन पहना दिए जाएं तो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिखेगा, उसकी सुंदरता नहीं। जीवित व्यक्ति के हाथों में ही सोने के कंगनों की सुंदरता होती। तो जीवित कौन है? जिसके हाथ भगवान की सेवा में लगे रहते। चलने फिरने वाले को भागवत जीवित नहीं कहती, जिसके हाथ भगवान की पूजा में लगते। कैसे पूजा कर सकते भगवान की? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मनः। कोई प्रेम से भगवान की पूजा करता है, अर्चन करता है, आरती करता है, पत्र कोई पत्ता चढ़ाता है भगवान को, फूल चढ़ाता है, तो वो जिंदा है। चाहे उसके हाथों में सोने के कंगन नहीं है तो भी वो जीवित है। जिसके हाथों में सोने के कंगन ना हो लेकिन जिंदा हो वो अच्छा है, या किसी को मार दिया जाए और उसको सोने के कंगनों से जड़ित कर दिया जाए वो अच्छा है? जिंदा अच्छा है या मुर्दा अच्छा है? जिंदा अच्छा है। जिंदे को सजा दिया जाए, मुर्दे को सजा दिया जाए, जिंदे को ना सजाया जाए, कोई कहे देखो ये कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि इस पर सोने के गहने पहने, उसकी कोई शोभा नहीं। तो बड़ा स्पष्ट है, शरीर के एक एक अंग के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो पूरा जीवन ही बता दिया कि जो लोग भगवान की कथाओं को कानों से नहीं सुनते, कानों की महिमा के बारे में सबसे पहले बताया था, वो लोग कैसे होते हैं? दक्ष नहीं, उससे पहले बताया था जो भगवान कानों से कथा नहीं सुनते वो लोग कौन से जीव की तरह होते हैं? नहीं, कान के बिल नहीं, उनका पूरा शरीर किसकी तरह होता है? कुत्ते, ऊंट, सुअर और गधा। तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो? तुम कौन सी कैटेगरी में आता है इन चारों में से? बता रही तो कथा सुनता है कि नहीं? कथा सुनता है तो फिर चारों में से कहाँ आएगा? तुम चारों से बाहर चला गया है कि नहीं? चला गया कि नहीं? दक्ष सुनता है ना कथा, तो चारों कैटेगरी में है क्या फिर? नहीं, जो कथा सुनते हैं वो बाहर आ गए, लेकिन कंडीशन है रोज कथा सुननी चाहिए। जिस दिन कथा नहीं सुनी उस दिन क्या बन जाते हम? चारों में से एक नेक तो बन ही जाते हैं जिस दिन कथा नहीं सुनते। प्रयास करना चाहिए ऑफलाइन कथा सुनने का, नहीं हो पाता तो ऑनलाइन तो सुन ही लेना चाहिए किसी भी। और एक दिन अगर नहीं सुनी तो मतलब उस दिन क्या बन गए? कुत्ता, सुअर, गधा या ऊंट। एक दिन भी मिस हो गया तो उसी दिन बन जाएंगे, देर नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है दक्ष? अब कभी नानी के यहां जाना पड़ गया तो ऑनलाइन सुन लेगा, ताली बजाओ सब
लेकिन सुबह उठना पड़ेगा ना वहां भी ऑनलाइन सुनने के लिए। सुबह जल्दी उठ के कथा रोज सुननी चाहिए। उसके बाद फिर अब एक एक अंग के बारे में बता रहे हैं। पहले तो पूरे शरीर के बारे में बता दिया। अब विचार करो कितने दिन तक हम कुत्ते गधा सुअर ऊंट रहे पहले कभी के नहीं रहे दक्ष। कितने साल तक हम ऊंट गधा सुअर या कुत्ता बनकर के जिए जिए कि नहीं सचिन समीर का भाग्य जिए कि नहीं। एक दिन भी गुल्ली मार दी मतलब उसी दिन क्या बन गए क्या बन जाते उसी दिन साधारण जंगली सुअर नहीं गांव का सुअर मलबोजी सुअर बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे सोते हुए व्यक्ति को उसका आहार पहुंचा देना चाहिए। एक बार क्या हुआ गांव में लोग घर के बाहर चारपाई डाल के सो जाते कई बार तो कई बार धूर्त होते हैं जो बड़े गंदे मजाक भी करते हैं। तो बचपन में मेरे पिताजी मेरी दादी सुना रही थी एक बार क्या घटना घटी। बोले मेरे पिताजी सोए हुए थे बाहर चारपाई पर चादर ओढ़ करके जो फूटा हुआ मटका होता है ना उसमें किसी ने मल भर के उनके पेट पर रख के आ गया कोई। और सुबह सुबह दादी उठाने के लिए गई तो देखा ये क्या रखा हुआ है चबूतरे पर सोते रहते कि कोई चिढ़ गया होगा किसी बात को लेकर के तो उसने ऐसा भद्दा मजाक किया। इसलिए जो व्यक्ति अगर लेट से उठे और देर से नहीं कथा सुनने आ पाया उस दिन उसको उसका आहार पहुंचा देना चाहिए ऐसे मटके पटके में रख करके ले भैया समझ आ रहा है समझ आ रहा है तेरे को नरसिंह प्रभु आहार का ध्यान रखने का कम से कम कांटे वाले कुछ पत्ते ही ले जाके ऊंट को पहुंचा देने का कभी कभी ठीक है ध्यान रखना चाहिए। एक सिंगल डे मिस नहीं करना चाहिए जैसे तैसे करके। एक बार हम किसी हाँ बीमार थे बीमार मतलब पीछे नस खिंच गई थी पीठ में नस हो जाती है ना खिंच जाती कई बार तो ना झुका जाता है ना उठा जाता है ना बैठा जाता है चिघ चली जाती है उसको चिघ भी बोलते हैं कुछ लोग चमक भी बोलते हैं कुछ लोग चिमका चिमका भी बोलते हैं। तो इतनी हालत खराब कि बहुत बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। हाँ ऐसा हो जाता है। तो हम कॉलेज में थे तो प्रभु जी कथा कर रहे थे हमारे जो शिक्षा गुरु प्रभु थे तो हम लेटे रह गए पहुंचे नहीं। तो उन्होंने कहा कथा सुनने क्यों नहीं आए। मैं बोला इतना दर्द हो रहा था ऐसा कारण बैठा नहीं जा रहा था तो लेट के सुन लेता। मतलब लेट के सुनता तो फिर बाकी लोग अब कथा चल रही है और इधर बेड पड़ा हुआ एक कमरे में ऐसे ही प्रोग्राम होते थे उस समय बेड भी रहता था और क्लास भी होती थी पड़ोसी पड़ोसी भी आके बैठ जाते थे एक आध माता भी आ जाती थी। तो मैंने कहा बेड पर मैं लेटा रहता बाकी सब लोग बैठ के कथा सुनते तो कैसा लगता है। अरे तो बेड पर नहीं लेटना तो बेड के नीचे लेट जाता अच्छा बेड की चादर थोड़ी ज्यादा नीचे खींच देते तुम थोड़ी दिखाई देता चादर खींच के बेड के नीचे घुस जाता वहां से सुनना था कथा। तो कथा सुनना इतना जरूरी होता है। फिर दूसरे श्लोक में बताया जो कानों से कथा नहीं सुनता उसके कान किसकी तरह हैं सांप के बिल की तरह हैं जीव किसकी तरह है मेंढक की तरह। इसलिए जो कथा न सुने कई बार सांप लेके जाने का उसके कान में घुसा देने का
ये क्या कर रहे हो? बोले भागवत का कहना मान रहे हैं, कथा तो सुनता नहीं, सांप का बिल है तो सांप घुसा देते हैं। बड़ा मत सांप घुसाना, जाएगा ही नहीं, छोटा सा बच्चा पकड़ के ले आना, सांप घुसा देना उसके कान में। समझ आ रहा है? और कोई दिन भर फालतू की बातें करो, बोले क्या मेढक आदमी है तू, वो मेढक है। समझ में आ रहा है संदीप जी? हाँ, आज क्या बता रहे हैं? बोले जिसकी खोपड़ी पर बहुत सुंदर पगड़ी बंधी हुई है, आम आदमी पार्टी का, या लाल टोपी वाला बढ़िया लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी का नेतागिरी कर रहा है, या आम आदमी पार्टी की टोपी लगा लिया है, या कोई व्यक्ति शादी करने के लिए बढ़िया पगड़ी बांध करके चल रहा है घोड़े पर बैठ करके, है कि नहीं? उसको बोलने का, ये फालतू में बोझा रख करके क्यों घूम रहा है? तेरी खोपड़ी बोझा है, और तुम्हारे जो हाथ हैं, चाहे सुंदर सुंदर सोने की चूड़ियों से पहने हुए हैं, सजे हुए हैं, ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, अभिनंदन मुस्कुरा रहा है, बोले उसका जीवन, बोले मुर्दा है तुम, मर गया तुम। ऐसे व्यक्ति के सामने कई बार लकड़ियों का ढेर लेकर के जाने का, बोले ये मेरी ओर से गिफ्ट है। बोले क्यों? बोले आपको जलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय आपको ऐसे नहीं रहने देना चाहिए, बदबू आना चालू हो जाएगी, मुर्दे में से बदबू आती है। बोले इससे अच्छा तो आग लगा देनी चाहिए, पलीता लेकर के घूमना चाहिए, उसको जलाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? बोले तुम मुर्दा आदमी क्यों? बोले सेवा नहीं कर सकता भगवान की, इन हाथों से सेवा नहीं कर सकता, क्या लाभ? रूपा जी कृपा करके क्या समझा रहे? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, कोई सेवा नहीं भी कर रहा है तो भी उनको ऐसा ही दिखाई देता है कि सेवा कर रहा है। संसार में तीन प्रकार के भक्त बता रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रथम श्रेणी के भक्त किसको कहते हैं? महाभागवत, जिसको हर जगह केवल गुण ही दिखाई दे, हर जगह केवल गुण ही दिखाई दे। एक भक्त थे, उनके सामने सड़ा हुआ कुत्ता डाल दिया रास्ते में, और वो सब जगह गुण देखते थे। तो सड़ा हुआ कुत्ता इसलिए डाला कि देखते हैं इसमें क्या गुण दिखाई देगा इनको। तो उन्होंने नीचे उतर के, हाथी पर चलते थे, राजा थे, राजा होकर के भी नीचे उतरे, और नीचे उतर करके उन्होंने प्रणाम किया, इसके दांत कितने सुंदर हैं देखो। और वो सड़ा हुआ कुत्ता ऐसे दांत फाड़ करके पड़ा हुआ था, तो दांतों को देख करके ही वो लोग वो प्रणाम करने लगे, देखो कितना अच्छा था ये कुत्ता, इसके दांत कितने सुंदर है, बिना मंजन के ही चमक रहे, ये भक्त होते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त कौन से होते हैं? द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों को तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। जो सेवा कर रहा है भगवान की उसे अच्छा लगता है, जो सेवा नहीं कर रहा उसे वो भक्त नहीं मानते। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त हैं। अब जो नई सेवा कर रहा है, द्वितीय श्रेणी का जो व्यक्ति है, जो अंतर देखता है कि कौन सेवा कर रहा है और कौन सेवा नहीं कर रहा है, तो जब उनको ऐसा दिखाई दे रहा है तो जो सेवा कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो सेवा छोड़ दे, क्या बोलेंगे? सेवा छोड़ दे, क्या बोलेंगे उसको? फिर अच्छी तरह सेवा कर, और अच्छी तरह से। और जो सेवा नहीं कर रहा उसको क्या करेंगे? वो उसको बोलेंगे तुम सेवा चालू तो करो कम से कम,
तो उपदेशक बनते हो, उपदेश देते, जो द्वितीय श्रेणी के भक्त होते उनको जब ऐसा दिखता है ये तो कर ही नहीं रहा, तो उसको उपदेश देते। द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते, अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त हैं, ये धर्म उपदेशक बनते हैं। और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अब हमें समझना चाहिए कि हम कौन सी श्रेणी के भक्त हैं। उत्तम कोटि के हैं तो उनको तो सारे भक्त भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे, सब लोग भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे, सुअर भी उनको मल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उनको सुअर भी भगवान की सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। बोले सुअर कैसे भगवान की सेवा करता है? बोले सुअर मल को खा करके गंदगी साफ कर रहा है, सुअर मल को खाके गंदगी को साफ कर दे तो वो क्या कर रहा है? भगवान की सृष्टि में गंदगी फैला रहा है, सफाई कर रहा है, सफाई कर रहा है तो सुअर को प्रणाम करते, धन्य हो तुम। वो हर जीव के अंदर केवल गुण ही देखेंगे और कुछ देखेंगे। एक महात्मा ट्रेन से सफर कर रहे थे तो सामने एक कपल बैठा हुआ था, नया नया शादीशुदा था या बिना शादी के ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो आपस में वो लोग बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। उनके साथ में हाँ और भी भक्त लोग थे, लेकिन वो इतने बेशर्मी से हरकतें कर रहे थे कि वो मान ही नहीं रहे थे। वो बराबर गर्दन नीचे करके कभी देखते कभी नीचे करते, कभी देखते कभी नीचे करते। फिर पहुंच गए वो गंतव्य स्थान पर, वहां जाकर के कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने लगे, कथा में इतने भाव से, आज हमने भगवान को साक्षात रूप से अनुभव कर लिया। बोले कैसे? अरे संसारी दो लोगों के अंदर ऐसा प्रेम देखा हमने, ऐसा प्रेम देखा, मतलब भगवान उनके हृदय में बैठे हुए थे साक्षात, तभी तो ऐसा प्रेम संभव था। कि उन्होंने संसार की कोई परवाह ही नहीं कर रहे थे और इतना प्रेमालाप कर रहे थे। मैं ऐसा भगवान का सेवक कब बन पाऊंगा जब मैं संसार की परवाह ही नहीं करूंगा? उनको किसी के बुरा बोलने पर बुरा नहीं लग रहा था, कितने अच्छे भक्त थे, कितना भगवान का प्रेम उनके अंदर छाया हुआ था। देखो इसे कहते उत्तम कोटि का भक्त। और रोने लग गए वो, आज हमने प्रिया प्रीतम को साक्षात रूप से अनुभव कर किया। एक सबसे निकृष्ट है काम और काम में वो प्रेम का दर्शन करता है, ये उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। मध्यम कोटि के भक्त वो अंतर समझते हैं और प्रचार करते हैं। अगर हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, समझ लो वो कोटि में नहीं। इस श्रेणी के भक्त उच्च स्वर से प्रचार करते। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले। साधारण संसारी जीवों से, मेरे जैसे जीवों से आशा की जाती है कि भाई कम से कम थर्ड कैटेगरी का तो भक्त बन जाओ। थर्ड कैटेगरी का भक्त किसको कहते हैं? तीसरी कैटेगरी, थर्ड क्लास भक्त। फर्स्ट क्लास भक्त कौन है? जिसको चारों तरफ छाई दिखता है। सेकंड क्लास भक्त कौन है? जिसको अच्छा भक्त भी दिखते हैं और जो भक्त नहीं है वो भी दिखते हैं, तो वो उनको बड़ा प्रचार करता है। प्रचार मतलब ये नहीं तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू गिरा हुआ है, नहीं। प्रचार मतलब उसको भगवान की लीलाएं सुनाते, भक्तों की कथाएं सुनाते, चरित्र सुनाते, उससे उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके दोष नहीं निकालते, उसको दोष निकालने से पहले उसको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि दोष निकालने पर भी सामने वाले व्यक्ति को क्रोध ना आए, उसकी श्रद्धा ना टूटे, ऐसी चेष्टा करते, प्रचारक होते।
थर्ड कैटेगरी प्रचारक तो बने जब हम खुद महिमा जानते ही नहीं, महिमा का गान करेंगे तभी तो प्रचारक कहलाएंगे। थर्ड कैटेगरी का कम से कम हमें बनना चाहिए। थर्ड कैटेगरी की क्वालिफिकेशन क्या है? यहां पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्च विग्रह के समक्ष झुके। ये तीसरी कैटेगरी के भक्त से अपेक्षा की, कम से कम इतना तो करो कि मंदिर में जाओ और जाकर के प्रणाम करो। भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी या मुकुट पहने राजा ही क्यों ना हो, राजा को प्रणाम करना। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वो महान राजा या सम्राट ही क्यों ना हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। रोज मंदिर में आने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि शरद प्रभु की तरह हफ्ते में एक बार आगे बाकी दिन नहीं आने का। रोज थर्ड कैटेगरी के भक्त मतलब रोज मंदिर में जाओ तो सही, तुम कितने भी बड़े धनी हो राजा ही क्यों नहीं हो तो भी जाना चाहिए। अहंकार के कारण हम लोग जाते हैं। नतमस्तक होना चाहिए। मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले। भगवान ने ये स्वरूप कृपा करने के लिए अर्च विग्रह का धारण करते हैं और हमें कृपा पाने के लिए थर्ड कैटेगरी में जाना चाहिए। कम से कम इतना तो करना चाहिए, नहीं किया तो फिर नहीं सिर झुकाया, नहीं सेवा किया तो फिर जीवन मुर्दे की तरह। धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की।